ओक औकात क्या है तुम्हारी? हाँ जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं तुमसे दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ने वाली। चलो ताशी घर चलते। चल यार, इतना मूड क्यों अपसेट करके रखा है तूने? मधु मधु तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सबर कर। मैं अमित के हरकतों से ना परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? पार्टी में सबके सामने कितनी बेइज्जती की उसने मेरी, इससे कैसे बात कर सकता है वो मेरे साथ? ताशा मधु, मैं तेरा गुस्सा अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तू ये भी तो सोच कि तुम दोनों का अभी तो ब्रेकअप हुआ है थोड़ा टाइम पहले। हो सकता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है अब। सारे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू ताशा, अगर आगे से उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना मेरे साथ, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, सीधे पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ मैं। अरे बाबा, नमित ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ करेगा नहीं तो पुलिस के पास तुझे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके चल, मैं सोने जा रही हूँ। आज पार्टी में बहुत डांस किया यार, बहुत थक गए। ताशा हाँ, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। तो बोलना, रुक क्यों गई? अभी नहीं, अभी काफी रात हो चुकी है, कल बात करते हैं। कोई बात तुझे परेशान कर रही है ना? नहीं नहीं ताशा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी पेंटिंग को लेके बात थी, कल सुबह बात करते हैं। चल गुड नाइट। गुड नाइट। आप इतनी डरी हुई क्यों? मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में कोई घुसा है। कौन है, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उसने मेरी सहेली को मार दिया। क्या खून? प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। हमें CID को फोन करना होगा, वही ठीक रहेगा। हेलो CID, कमरा ऊपर है, सब चौकने रहना। दरवाजा तो अंदर से बंद है सर। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं सर, अंदर कोई
कमरा साफ सुथरा है, कोई तोड़फोड़ या हाथापाई के निशान भी नहीं है। ताशा को अंदर बुलाओ। ताशा हमें बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। मधु, मधु को मार डाला। ये मधु कौन है? मधु मेरी बहुत करीबी सहेली है। हम दोनों नाइट क्लब में पार्टी करने गए थे, 1 बजे के करीब घर लौटे और वो अपने रूम में चली गई और फिर उस पर किसी ने हमला किया। बड़ी, बाहर सिक्योरिटी गार्ड से जरा पूछताछ करो। ताशा, आपने हमलावर को देखा? नहीं, मैंने मधु के चिल्लाने की आवाजें सुनी और कि मैं उसको बचा नहीं पाया। पर यहाँ पे तो घर में कोई नहीं था, ऊपर कमरे में कोई नहीं था, कमरे में हाथापाई के कोई निशान नहीं और मधु भी नहीं। मधु कहाँ गई? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, मधु पे हमला होने से पहले आपने किसी को घर में आते या जाते देखा? नहीं, मैं हेडफोन्स पहनकर म्यूजिक सुन रही थी, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। और जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? म्यूजिक सुनते सुनते मैं यहीं सोफे पर सो गई थी, लेकिन जब मधु के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मैं उसके कमरे की ओर दौड़ी चली गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा बंद था? मगर जब हम अंदर गए तब तो कमरे का दरवाज़ा खुला था और कमरे में कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, और अगर मधु कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अच्छा, आप दोनों के अलावा घर में कोई और भी रहता है? जी, एक लड़की और रहती है। कौन है वो और कहाँ है? आलिया, मैं, मधु और वो, हम तीनों रहते हैं। फिलहाल वो छुट्टियां मनाने के लिए मनाली गई हुई है। आपको किसी पे शक है? हाँ। किस पे? नमित पर। ये नमित कौन है? मधु का एक्स बॉयफ्रेंड। और उस पे शक की वजह? पार्टी में नमित और मधु का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, नमित बहुत गुस्से में था। नमित कहाँ रहता कुछ मालूम है आपको? जी, विंडफोर अपार्टमेंट्स, 10th फ्लोर। नमित और मधु की फोटो है आपके पास? हाँ है। गुड, निकले काम करो, इस नमित के घर पे जाके पता करो। और श्रेया, नमित और मधु इन दोनों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। सर। मधु की जान खतरे में है, उसे किसी भी हाल में बचाना होगा। सर, ये नमित तो बड़ा ही चालाक है सर। सर, पहले से मधु को किडनैप किया और अब हमारे आने की भनक लगते ही भाग रहा है। तू भी बच के जाएगा कहाँ ही? एक बार हमारे हाथ लग जाए इसकी बारात निकालते हैं। सर, वो तो केयर रोड की तरफ मुड़ गया। क्या? कितनी दूरी पे? सर, करीबन 100 मीटर। सर सिग्नल इसी तरफ बता रहा है, इसी रोड पर। सर, बस आगे सर, यहाँ से राइट। पार्टी में चाकू दिखाकर धमकी क्यों दी चले? बोल। हाँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। हमारे बीच कुछ गलत फहमी हुई थी और इसी गलत फहमी की वजह से उन्हें उसे किडनैप कर लिया। बोल, कहाँ छुपा के रखा है उसे और उसके घर क्यों गया था? हाँ, मैं गया था, पिछले दरवाजे से गया था उसे समझाने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं थी। तो फिर चोरी से उसके घर में घुसने की क्या जरूरत? पीछे के दरवाजे से? क्योंकि ताशा मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता था। तो ताशा ने तुझे देखा कैसे? नहीं, घर के बाहर वो किसी आदमी से बात कर रही थी और मैं चुपके से निकल गया। मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से पहले ही मधु गायब हो चुकी? हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तो फिर तू भाग क्यों रहा था? मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो मधु से मिलने नासिक जा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी डैडी नासिक में ही रहते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मेरे टिकट देख लीजिए सर। आखिरी बार कब बात हुई थी मधु से? पार्टी के बाद करीब 12:30 बजे।
आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकते हो। क्या बात हुई थी तुम्हारी? बात नहीं हो पाई थी, फोन ताशा ने उठाया था और उसने कहा मधु सो रही है। ये बात मुझे अजीब लगी। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? क्योंकि मधु अपनी गाड़ी किसी को चलाने देती नहीं है। देखो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। हेलो सर, आपने फोन किया था? जी सर। लाश कहाँ पे? सर इस तरफ। सही है तो मधु है। रे, बड़ी बेरहमी से चाकू मारा गया इसे, खून अब तक बह रहा है। सर मैं आज इधर से निकल रहा था तो मैंने इस लड़की की लाश देखी सर। सर कितनी बेरहमी से मारा गया सर इसे। सर ये देखिए, सर झाड़ियों पर भी खून लगा हुआ है। हाँ। सर इसके शरीर पे कोई खरोच का निशान नहीं, इसका मतलब इसकी खूनी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई। आप बोलिए, ये तो कमाल की बात है कि इसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, कहीं भी कोई खरोच के निशान नजर नहीं आए। सब वो देखिए, सर ये चाकू, सर इतना सारा खून बाहर और यहाँ पर ये चाकू मिला है, इसका मतलब इस लड़की को यही मारा गया है। हो सकता है बोल, ये चाकू तो आम चाकू है जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है। सर हो सकता है खून ने ये चाकू मधु के घर से उठाया हो। हो सकता है बोल, एक काम करो, इस चाकू और लाश को फौरन से खिंचा। क्या बात है डॉक्टर साहब? रजत, जिस किसी ने भी इस मधु का खून किया है ना, वो इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। इतनी नफरत करता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ सर, जिस बेरहमी से ये वार किया है उससे तो साफ मालूम पड़ता है कि खूनी कितना निर्दयी होगा। होगा नहीं श्रेया, होगी। क्या होगी? हाँ होगी। वैसे आपको ये बता दूं, मधु के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पाई गई। मतलब सालू के साहब, मधु को ड्रग्स लेने की आदत थी? लेकिन सर जब हमने मधु के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मधु को ऐसी कोई आदत नहीं थी। फिर तो एक ही गुंजाइश है, किसी ने धोखे से मधु के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद ये मधु इस हालत में ही नहीं थी कि अपने ऊपर वार करने वाले से बचाव कर सके। डॉक्टर साहब, इस चाकू से मधु का खून किया गया, इस पर उंगलियों के निशान किसके? मुजरिम कौन है? गवाह भी वही, मुजरिम भी वही। क्या ताशा ने ही मधु का खून किया? ये कैसे हो सकता है सर? ताशा ने खुद हमें फोन करके बुलाया था। कैसे हो सकता है नहीं मालूम है, लेकिन इस चाकू से मधु का खून हुआ है और इस चाकू पर ताशा की ही उंगलियों के निशान है। मतलब ताशा ने हमसे झूठ कहा, अपने आप को बचाने के लिए भोलेपन का नाटक किया और इल्जाम लगा दिया नमित पर। लेकिन ताशा मधु का खून क्यों करेगी? इसका जवाब तो ताशा ही देगी, उसे देना ही होगा। ये सब क्या हो गया है? मधु को तो सब पसंद करते थे ना। सुदेश जी, मुझे नमित पर बहुत शक हो रहा है। इतना घिनौना काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। देखो, मधु के कातिल को पकड़ना सीआईडी की जिम्मेदारी है, तुम अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दो ना। आर्ट एग्जीबिशन को कामयाब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, समझी? अरे आप लोग यहाँ, कुछ पता चला क्या? हाँ थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी आपसे जानना है। आपकी तारीफ
जी ये मेरे आर्ट टीचर हैं, मिस्टर सुदेश, मुझे पेंटिंग सिखाते हैं। क्या नमित पकड़ा गया? क्या उसने मान लिया कि मधु का खून उसने किया है? अब तो नाटक बंद कीजिए ताशा, हमें पता चल गया है कि मधु को आपने मारा है, खूनी नमित नहीं आप है। वैसे मानना पड़ेगा, हमें गुमराह करने का प्लान अच्छा बनाया था आपने। खुद खून किया और खुद फोन करके हमें बुला लिया ताकि किसी को आप पे शक ना हो। ये झूठा इल्जाम है, अला ताशा मधु का खून क्यों करेगी और मधु से ताशा की दुश्मनी क्या है? दुश्मनी की वजह तो ताशा ही बताएंगे। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है ताशा जी, बताइए क्यों मारा आपने अपनी सहेली को? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ठोस सबूत है हमारे पास, निकल। ये वही चाकू है जिससे मधु जी का खून हुआ है, इस पर आपकी, ताशा जी आपकी उंगलियों के निशान है। ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों मारूंगी मधु को? आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैंने मधु को नहीं मारा है, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या झूठ। श्रेया सब चलो, ये सब क्या है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपका सच कितना सच है ये पता लगा रहे हैं। टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट से सच और झूठ का फर्क पता चलता है। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? क्या तुमने वाकई मधु को नहीं मारा? मारा या नहीं मारा? बताओ ताशा, क्या तुमने मधु का खून किया? नहीं, मैंने मधु को नहीं मारा। आश्रय सर, ताशा सच बोल रही है। जाने दो इसे। सर, इस टेस्ट ने तो और भी उलझा दिया, अब क्या करें? ना सर, अजीब बात है, सारे सबूत इसके खिलाफ है, फिर भी ये बेकसूर है, ये कैसे हो सकता है सर? सचिन, कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया कि ये दोनों, मतलब ताशा और मधु, रात के 1 बजे एक साथ लौटी। हाँ सर, और ताशा ने हमें तकरीबन 1:30 बजे फोन किया। एग्जैक्टली, मतलब सर ताशा के पास सिर्फ आधे घंटे थे मधु का खून करके वापस आने के लिए। ताशा ने फोन किया हमें रात के 1:30 बजे। अब मधु की लाश
जहां पर मिली है वो आशा के घर से 20 मिनट की दूरी पर मिली, तो आने जाने में ताशा को आने जाने में 40 मिनट लगने चाहिए। ये आने जाने में 40 मिनट? तो फिर सर आधे घंटे में ताशा ने अपने घर से फोन कैसे किया होगा? एग्जैक्टली, आधे घंटे में फोन कैसे किया होगा, है ना? इसका एक ही मतलब है कि कोई तो है जो ताशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है मधु के खून के जुर्म में। अब सर अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जरा सोचो फ्रेडी, सोचो। साळुंखे को मधु के खून में से ड्रग्स मिले हैं, तो हो सकता है कि उस पार्टी में मधु के ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स डाले। सर ये मुमकिन है, क्योंकि जिस रात मधु का खून हुआ उस रात ताशा और मधु दोनों पब से पार्टी करके लौट रहे थे। बस तो फिर सचिन, उस पब में जाकर पता लगाओ उस पार्टी में कौन कौन आया था और क्या क्या हुआ था। क्या बात है सीआईडी, यहाँ कहीं कोई परमिशन का पंगा नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या बात है मिस्टर मैनेजर, हमें देख के आप खुश नहीं हुए हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप लोग यहाँ और हमारे पास ड्रिंक्स की परमिशन है, और सर हमारे क्लब में तो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं होती। ये सब कुछ हम जानते हैं मैनेजर सर, लेकिन एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। कैसी पूछताछ सर? कल आपके क्लब में एक ऑफिस पार्टी हुई थी, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट देखनी। जस्ट अ मिनट सर। ये लीजिए सर, ये उस पार्टी गेस्ट लिस्ट। सर इस लिस्ट में एक नाम जाना पहचाना से लग रहा है। कौन सा नाम? सर आलिया क्या, ताशा की रूममेट। मगर ताशा तो कह रही थी कि आलिया फिलहाल छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गई हुई है, मनाली में। बड़ी हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला। ये देखो, आलिया के नाम के सामने ये लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है, कहीं ये नंबर उसी जगह का तो नहीं जहां पे ये तीनों साथ में रहती थी? लेकिन सर हमें उस घर में कोई लैंडलाइन फोन मिला ही नहीं। एक काम करो, इस नंबर पे जरा फोन लगाओ, देखो क्या पता चलता है। सर ये नंबर सेवा में नहीं। नंबर सेवा में नहीं है, कोई बात नहीं निकल, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करते हैं कि ये आलिया रहती कहाँ है। लगता है हमारे आने से पहले ही आलिया यहां से भाग गई।
उसे हमारे आने की भनक लग गई होगी। लगता तो ऐसा ही है। बड़े आस पड़ोस में जाके पता करो इस आलिया के बारे में। आलिया, आलिया, सारे पेंटिंग्स आलिया ने बनाए। सर, मैंने पड़ोस के मकान में रहने वाली एक औरत से पूछा, वो भी आलिया को नहीं जानती। उसका कहना है कि ये घर ज्यादातर बंद ही रहता है। ओ, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आलिया की फोटो तक नहीं मिली हमें। एक बात समझ भी नहीं आ रही है सर, अगर आलिया ताशा और मधु के साथ रहती थी तो फिर उसे इस घर की क्या जरूरत थी? तो क्या वो यहाँ पे पेंटिंग के लिए आती थी? और अगर आलिया यहाँ पे नहीं रहती थी तो उसने वहां नाइट क्लब के गेस्ट रजिस्टर में यहाँ इस घर का नंबर क्यों लिखा? देखिए आप डरिए मत, आप जहाँ पर हैं वहीं रुकिए, हम अभी पहुँच रहे हैं। हाँ, ठीक है। दर्शन, मैं हूँ, डरो मत। अच्छा हुआ आप आ गए, आप नहीं आते तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। देखिए शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आपको इतनी चोट कैसे लगी? चलिए हमारे साथ। कहाँ? हॉस्पिटल और कहाँ? चलो। लेकिन अगर खूनी मुझे मारने के लिए वहाँ पे आ गया तो? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हॉस्पिटल में आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। आइए, चलिए आइए। ड्रेसिंग का सामान लेके आओ। हेलो डॉक्टर साहब, ताशा की तबीयत कैसी है? इनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए पहले मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब इनके घाव पर ड्रेसिंग करनी बाकी। मैं देख सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। सर, लगता है आलिया ने हमला किया था शाह पर। नहीं सचिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चोट आलिया की वजह से नहीं आई है, ये चोट ताशा को खुद की वजह से आई है। मतलब? मेरे को समझा नहीं। सचिन, या तो ताशा ने अपने आप को किसी चीज से मारा है, या फिर कोई और वजह है, जैसे ये कहीं गिर गई, या ताशा गिरी, या फिर ताशा को गिराया गया। ये तो ताशा के घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इस घाव की वजह क्या है। अच्छे तरीके से तलाशी लो घर की। ये ताशा को पेंटिंग जमा करने का शौक था? यस सर। सर ये देखिए। क्या है इसमें? ताशा के पेंटिंग स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट में डी ग्रेड से अच्छा ग्रेड नहीं मिला है। इसका मतलब ताशा कुछ खास पेंटिंग्स नहीं बनाती थी। सर, सर ताशा की मेडिकल रिपोर्ट्स और ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और सर शायद ये दवाइयाँ भी ताशा की हैं। डॉक्टर शेखर साइकेट्रिस्ट, ताशा को दिमाग की बीमारी थी। डॉक्टर शेखर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर शेखर, आपकी एक पेशेंट है, मिस ताशा, याद है आपको? ताशा? बिल्कुल, लेकिन बात क्या है, कुछ प्रॉब्लम है उसे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, ताशा को बीमारी क्या है? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक ही इंसान में दो रूप। पिछले एक साल से मैं उसका इलाज कर रहा हूँ और बीच में उसकी हालत काफी अच्छी होने लगी थी, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? पिछले तीन महीनों से
उसका मानसिक संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। उसे फिर से दौरे पड़ने लगे हैं और वो अपने आप को आलिया समझने लगी है। क्या आलिया? जी हाँ, ताशा का काल्पनिक रूप। क्या मतलब आलिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये ताशा की कल्पना है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पिछले 3 महीनों से ताशा की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्यों? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ताशा पिछले 3 महीनों से वही दवाइयां खा रही है जो पिछले 1 साल से खाती आ रही है। तब तो डॉक्टर साहब ये भी मुमकिन है कि आप गलत दवाइयां देकर ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। भला मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी दवाई खाकर ताशा की तबीयत खराब हुई है तो आपकी तबीयत खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शेखर, कितने सालों के बाद, कैसे हो यार? बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? एसीबी को लगता है कि मैंने ही गलत दवाइयां ताशा को दी। हमारे पास सबूत है सर। सबूत? हाँ सबूत, फ्रेडी। ये दवाइयां हमें ताशा के घर से ली, ये सारी दवाइयां डॉक्टर शेखर ने प्रिस्क्राइब की है। बॉस, जो व्यक्ति स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होता है उसे यही दवाई दी जाती है, इसमें कुछ गलत नहीं क्या इसने? मान लिया ना सर उनके, मगर मुझे शक है कि इन कैप्सूल्स में कुछ और ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक कर ले। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये तो हैवानियत है, और इस कंपाउंड से तो ताशा की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मतलब मेरा शक सही है? सालुंके, मुझे नहीं मालूम इस कैप्सूल के अंदर की सही दवा को बदलकर ये दवाइयां किसने डाल दी। मैं मानता हूँ कि मैंने ही ताशा को ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी, लेकिन मैंने ये दवाइयां नहीं बदली। तो फिर कौन कर सकता ये? बस बस, मैं डॉक्टर शेखर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी सालों से जानता हूँ। ये ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, देख सालुंके, तू डॉक्टर शेखर की गारंटी ले रहा है इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, वरना तू जानता है। डॉक्टर शेखर जी, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। जी। स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक ताशा और दो दो रूप। इस ताशा पर नजर रखो, नजर रखो ताशा पर। एसीबी प्रद्युमन। क्या कुछ पता चला नहीं सर, हाईवे पुलिस या चेक पोस्ट से अभी तक कोई खबर नहीं आई। कोई तो है जो ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहा है। और सर, ये जो कोई भी है ताशा के बहुत करीब है और उसे अच्छी तरह से जानता है। हाँ,
एग्जैक्टली सर, ताशा जिस गाड़ी में से भागी है उस गाड़ी का पता चल गया सर, वो गाड़ी उसी के नाम पे रजिस्टर है। गाड़ी ताशा के नाम पर ही रजिस्टर है, तो फिर खूनी शायद उसी गाड़ी में ताशा को लेकर गया होगा। वैसे भी सर खूनी गलत दवाइयां देके ताशा को सम्मोहित कर रहा था, और उसी की बात सुनकर ताशा हॉस्पिटल से भागी भी होगी, मगर कौन कौन हो सकता है ये, कौन कर सकता है ये सब? नहीं, ये सुदेश तो नहीं? सुदेश? हाँ सुदेश, वही चित्रकार, वो पेंटर जो ताशा और आलिया को पेंटिंग सिखाता था। सर वही जो ताशा की हमेशा तरफदारी करता रहता था। हाँ वही, ताशा के आसपास ही तो रहता था, और ताशा की बीमारी के बारे में भी जानता था, और ये भी जानता था कि ताशा अपनी दिमाग की बीमारी के लिए इलाज करवा रही है। सचिन एक काम करो, उस डॉक्टर को फोन करो जो इलाज करा रहा है। सर हेलो, हाँ डॉक्टर शेखर, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि ताशा जब आपके यहाँ इलाज के लिए आती थी तो क्या वो अकेली आती थी या साथ में भी कोई आता था? अच्छा ठीक है, थैंक्स सर। ताशा के साथ हमेशा सुदेश आता था। सुदेश? सुदेश? हेलो एसीबी प्रतिमा, पता चल गया कहां पर है गाड़ी? थैंक यू, ताशा की गाड़ी का पता चल गया। गाड़ी जीबी गेस्ट हाउस पर खड़ी है। जीबी गेस्ट हाउस? तुम क्यों हॉस्पिटल से मुझे यहां लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मुझे मेरी दवा चाहिए, मुझे मेरी दवा। यही दवाई खाती हो ना तुम, लेकिन आज तुम्हें ये गोली नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें दूसरी गोली दूंगा। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सीआईडी को सब कुछ बता दोगी। कहाँ है? इस कमरे में। वैसे तुम मेरे लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, इसे मैं मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम अब मेरे लिए खतरा बन चुकी हो, और मैं खतरे में जीने का आदी नहीं हूं। तो अब जेल में जीने की आदत डाल, क्योंकि अब वही तुम्हारा ठिकाना। ना 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 इंस्पेक्टर, ये कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ताशा की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा। ताशा को तो हम बचा लेंगे, तुम अपनी सोचो। मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी इंस्पेक्टर, तुम क्या तुम्हारे बच्चे मुझे नहीं पकड़ पाएंगे? और गोली नहीं, छोड़ो उसे, आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर। वही खड़े रहो, वही खड़े रहो, मैं गोली मार दूंगा उसके। तुम गलत कर रहे हो, तुम जा नहीं सकते यहाँ से। वही खड़े रहो इंस्पेक्टर। जाने दो, जाने दो, जाने दो प्लीज। कहाँ गया? चल गया सर, पकड़ो उसे सर। ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कहाँ भाग रहे हैं? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, वरना सर फोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। क्यों मार?
मारा मधु को तुमने? क्योंकि वो मेरा राज जान गई थी। कैसा राज? यही कि मैंने ताशा की दवाई बदल दी थी, जिससे उसकी बीमारी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। ऐसा करने की वजह? ताशा का दूसरा रूप आलिया, जिससे मुझे फायदा था। ताशा जब आलिया के रूप में आती थी तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। मैं बेचकर लाखों रुपया कमाता था। ताशा को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी, ये तुम्हें कैसे पता चला? एक दिन उसके सर में दर्द उठा और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, तब मुझे उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता चला। लेकिन ताशा को तुम पे शक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताशा को मैंने यकीन दिला दिया था कि मधु आलिया उसके साथ रहती है। बहुत लंबी जीवन रेखा है ना तुम्हारी, काफी लंबा समय गुजारना पड़ेगा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे, अगर फांसी नहीं हुई तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।